नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और आप सबको मुबारक हो। आज 11 अक्टूबर सुबह अष्टमी नवमी दोनों हैं और ऑस्पिशियस डेज चल रहे हैं पिछले 8 दिन से और अगले 20 दिन तक, जिसे हम कहते हैं फेस्टिवल डेज ऑफ इंडिया। और यही वो समय है जब आप में से काफ़ी लोगों को सीट्स मिलेंगी। सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। अभी एक बात के लिए आपका फिर से ध्यान और चेतावनी। एक्चुअली मैं अपने क्लाइंट्स को तो बहुत इनफॉर्मली बताता हूँ, शायद वीडियो बनाना भूल गया, बट आज मेरे पास एक काइंड ऑफ मिडिल क्लास बच्चा टाइप, तो उसको मैं समझा रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये वाला वीडियो तो मैंने कभी बनाया ही नहीं, तो चलो ये आपके लिए बना देता हूँ। सो देखिए, जब भी आप ये नेगोशिएट कर रहे हो, मैंने बहुत बार ख्याल पहले डिफरेंट टॉपिक्स पर बनाए हैं, दो बातों का आपको खास ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। एक तो देखिए जी, कमिटमेंट, क्योंकि होता ऐसे है, मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आए चार या पाँच दिन पहले, और बहुत ना, ऑफ कोर्स ही केम आफ्टर पेइंग मी माई विजिट फीस विच 5,000 रुपये, और बाद में कहते सर आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने डिसाइड किया जी मैं 3 काउंसलर्स और टच में हूँ, और जो मुझे सबसे कम रेट दिलाएगा मैं तो उसके थ्रू ही चला जाऊँगा उस कॉलेज में। मतलब बिल्कुल नेगोशिएशन वाली बात है, जैसे आप सब्जी खरीद रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन वो जो आपको रेट मिल रहा है वो रेट फुलफिल रहेगा, इसी का कमिटमेंट है कि आप काउंसलर को पैसे दे रहे हो या एक बार आप एटलीस्ट कॉलेज के रेलिवेंट पर्सन से जाके उसके सामने बैठकर भी आपने उस रेट पे कुछ साइन करा है, कुछ भी करा है, चाहे वो पक्की पर्ची हो कच्ची पर्ची हो, लेकिन और हर कॉलेज में एक रेलिवेंट एडमिशन कोऑर्डिनेटर या चेयरमैन साहब हैं या उनका ऑथराइज पर्सन है। और मैंने उसे भी कहा, मैं कहा जब जिस भी कॉलेज में बात कर रहे हो, मोस्टली इंडिया के वो रेफरेंस पर्सन मैं आपको दे सकता हूँ मोस्ट स्टेट्स में, बट मे बी नॉट इन एवरी स्टेट एज ऑफ नाउ, मे बी बाई नेक्स्ट ईयर वी विल डू, पहली बात। और दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं या लेट मी पुट इट, कुछ चेयरमैन भी ऐसे हैं जो आज कुछ बोलेंगे और 15 दिन बाद मुकर जाएंगे, और फिर आपको पूरी MRP फीस देनी पड़ेगी। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है, बंगाल के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बदनाम हैं, अभी कुछ बोलेंगे बाद में कुछ और कर देंगे। ऐसे एक YouTube पे भी कमेंट था कि एक साउथ के किसी कॉलेज में नेगोशिएशन हुआ है, तो मैं कहा इतनी बड़ा डील आप करते हो, कभी कॉलेज गए हो और कॉलेज का, और जब आप किसी को इतने पैसे दे रहे हो, आपने फाइनल कर लिया, तो एक फ़्लाइट लेके उस कॉलेज में तो चले आते और पूछाते कि जितना मेरे को जो मिल रहा है वो चलेगा ना, लोग पूछते नहीं, और बाद में पता चलता है कि पूरी फीस ही दे रहे हो। तो ये तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और फिर क्या होता है, पेंट फंस जाता है। देखिए ये जो बेचारे एजेंट, फ्रॉड एजेंट होते हैं छोटे से, वो किस चीज़ पे खेलते हैं कि एक बार आपने एडमिशन ले लिया, आज आपको 1-10 का पैकेज बता दिया, कल को आपको आपके 25 भी लग गए तो फिर आप क्या कर लोगे, आप पैसे दोगे? मतलब ये उनकी वो आपके साइकोलॉजी पर चलते हैं कि जो पेरेंट्स सर 1-10 दे रहे हैं, वो 25 भी तो दे ही सकते हैं ना, अभी बस उसको अपने पास लाने के लिए 1-10 का ऑफर दे दिया। मतलब मैं इनसे बहुत सुनता हूँ, ऐसे लोगों से ना जब मैं इनसे मिलता हूँ, ये सीधा कहते हैं सर 5-10 जब तक कम ना बोलो कोई हमारे ऑफिस आता ही नहीं है। सोचिए, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती है। और दूसरा, जिसमें एजेंट से ज़्यादा कॉलेज की बदमाशी, और ये साउथ में बेंगलोर में बहुत होता है, वो होता है फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पैसे लेना। आपने बहुत सुना होगा कि जी ऐसे ऐसे बटेगा। अब आप लोगों ने कभी इंटरेस्ट की या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी लगाते ही नहीं हो, अगर आप वो लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर किसी कॉलेज की MRP फीस समझ लीजिए 25 लाख है, तो 4.5 साल के 28 लाख है, ये खासकर बेंगलोर के 2-3 कॉलेज हैं, तो 28 लाख के हिसाब से वैसी फ़ीस 1-25 बनेगी। अब आपको किसी ने 1-10 का ऑफ़र दे के पहले साल आपसे 60-70-65 करवा दिए, तो वो जो पहले साल के एक्स्ट्रा 35 दे रहे हो ना, उनका अगर आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा लोगे, एक सिंपल जो आप में से लोग नौकरी करते हैं, चलो जिन्हें सिर्फ FD समझ में आती है, तो 8% होता है, लेकिन आप जरा सा भी स्मार्ट इन्वेस्टर है, आप मान के चलते हैं साल में आप 11-12% अर्न करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मोटा मोटी सेम ही पैसे दे रहे हो। तो सेम ही पैसे दे रहे हो फिर क्या फ़ायदा हुआ? और जब आप पहले बुकिंग करते हो तो फिर आप उस कॉलेज के साथ फंस भी जाते हो। तो उस कॉलेज में नेगोशिएशन कीजिए जहाँ पर जो आपको टोटल जो देना पड़ रहा है वो कम से कम आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी से ज़्यादा है, कमिटमेंट फुलफिल हो रही है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा, मुझे वीडियोज़ में कहना नहीं चाहिए, हाँ तीसरा सेगमेंट भी होता है जी, क्योंकि जो ये लोग जो मैंने सेगमेंट 2 बताया, खासकर जो लमसम पैसा लेते हैं, वो काफ़ी कैश ले लेते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग होते हैं जो एक्चुअली ये चाहते हैं कि हम कैश पेमेंट कर दें, क्योंकि हमारे पास वो अनअकाउंटेड इनकम है
जो वैसे नहीं दिखाना चाहते, तो सर हमें कुछ उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी है ही नहीं। हाँ वो बात अलग है कि आप कैश को प्रॉपर्टी में लगाते हो तो भी कमा सकते हो, बट वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। पर्पज़ मेरा ये था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कल ही उस बच्चे से बात हो रही थी, बड़ा प्यारा बच्चा था, तो मैंने कहा बेटा पहले साल के पैसे कहाँ से लाएगा? कहता सर यहाँ से वहाँ से करके लाऊँगा। तो मैं कहा अगर तू डिस्काउंट ना भी ले और 10 लाख फालतू भी दे दे तो भी देखो ना टोटल शायद 2 लाख का फ़र्क पड़ेगा पूरे कोर्स में। और जब तू पहले बात नहीं कर रहा तो यू कैन एक्चुअली डू योर चॉइसिंग बाय क्वालिटी, समझे बात को, देन यू डोंट हैव टू स्टक विद समबडी ना। यू कैन एक्चुअली डू योर चॉइस फिलिंग बाय शेयर क्वालिटी। अभी आपने किसी से बात कर ली तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। सो टोटल पूरे कोर्स में 2-3 लाख बचाने के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। मतलब मेरे वीडियो सुन सुन के तो लोगों ने घटिया सरकारी कॉलेज छोड़ के कस्तूरबा ज्वाइन किया है। और फिर मैं लोगों से मिलता हूँ, फिर मैं कहता हूँ सर एक एक रुपया कीमती है, पर अगर आप 1 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हो ना, सो 2-3 लाख से फ़र्क नहीं पड़ता। क्वालिटी ऑफ द कॉलेज को ज़रूर देखिए, वरना बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बहुत मतलब बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मेरे खुद के कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो शायद ड्रॉप ले रहे हैं, पर वो कहते हैं सर हम इन कॉलेज में तो जाएंगे नहीं, आप तो खैर बताते ही हो, हमने जाकर भी देख लिया या दोस्तों से पूछवा लिया। तो कॉलेज में जाने से पहले जो भी प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं, मिनिमम इंडिया में केरल 45 लाख है जो बहुत कम बच्चों को मिलता है, फिर छत्तीसगढ़ 55-56 लाख है जो अगेन बहुत कम बच्चों को मिलता है। मोस्टली तो हम 65 से लेके 1.5 करोड़ तक खर्च कर रहे हैं ना, तो जो करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, खासकर जहाँ पर NRI और नेगोशिएशन सीट की बात कर रही है, तो 2 लाख रुपये के चक्कर में ना क्वालिटी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, समझे। क्योंकि सेम पेपर से शायद आपको बहुत बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है, तो वहाँ पढ़ाई कीजिए। और फिर से इस अबाउट द रेशो ऑफ 2 लाख ऑन 1 करोड़, सो 2% एक्स्ट्रा देखे। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू, क्योंकि इस समय समय है, आप सब लोग भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, वो नेगोशिएशन सीट्स के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे आप, चाहे कर्नाटका में होगा, चाहे अभी बिहार में ना रहिए, कहीं पर भी आए। सलाह है मेरी, ध्यान रखिए, और हेल्प चाहिए मेरी हमारी टू डिस्कस मोर, टू यू नो। काफ़ी लोग मुझसे सिर्फ आजकल पेड कॉल्स ले रहे हैं, वन टाइम कॉल्स, जिन्होंने ऑलरेडी काउंसलर्स करे हुए हैं, और जिन्होंने नहीं करे हुए करे भी हुए हैं वो भी कह रहे सर आप ही काम कर लीजिए, उसको जो पैसे दे दिए कोई बात नहीं। तो इन एनी केस यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9643362320। आपका दिन शुभ हो, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। बाय बाय, टेक केयर।